श्री राम का आवाहन सुनकर भी अभिमानी रावण शिव पूजा में सम्मिलित न हुआ। श्री राम की भक्ति से प्रसन्न भोलेनाथ ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। शिव आशीष पाकर श्री राम और उनकी वानर भालुओं से सजी सेना ने लंका पर प्रचंड प्रहार किया। इस प्रहार से आहत लंकेश्वर रावण ने एक गुप्त मंत्रणा आयोजित की। नहीं पिताश्री, नहीं, मुझे तो इस गुप्त मंत्रणा की कोई आवश्यकता ही नहीं दिखती है। हाँ, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अकेले ही बंदरों और भालुओं से सजी उस वनवासी राम की सेना को दंडित कर सकता हूं। मूर्खों जैसी बातें करके तुम लंकेश्वर रावण को ही नहीं स्वयं को भी भ्रमित कर रहे हो युवराज मेघनाथ। युद्ध प्रारंभ हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। किनारान तक दुरागम और महोदर जैसे कई बलशाली राक्षसवीर शत्रु के हाथों मारे गए। तीनों लोकों में विजय का ध्वज फहराने वाली राक्षस सेना की दशा दुर्दशा तक पहुंच गई है और तुम कहते हो कि मंत्रणा की आवश्यकता नहीं। युद्ध प्रारंभ हो जाने के पश्चात मंत्रणा की नहीं प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। ज्येष्ठ काकाश्री, मुझे अपनी शक्ति पर अभिमान है। मैंने देवराज इंद्र को अपनी शक्ति से बंदी बनाया था, जिसकी शक्ति पर उस वनवासी राम को इतना अभिमान है, उस हनुमान को बांधा था मैंने। ब्रह्मा के वरदान की आड़ में तुमने देवराज इंद्र को पराजित तो किया था इंद्रजीत, पर इतना तो बताओ कि महावीर हनुमान को बंदी बनाकर भी तुम्हें क्या मिला? ध्वस्त हो गई कीर्ति लंका की। तुम्हारी आंखों के सामने वो बजरंग बली सोने की लंका को राख का ढेर बनाकर चला गया और तुम ब्रह्म बाण और नागपाश चलाकर भी उस अंजनी पुत्र हनुमान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उसके दोषी हम नहीं काका श्री विभीषण थे। मैं तो उस वानर को मृत्यु दंड देना चाहता था, किंतु पिताश्री ने भरी राजसभा में मेरे प्रस्ताव को ठुकरा कर और काका श्री विभीषण के प्रस्ताव को स्वीकार कर हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया। तुम ठीक कहते हो पुत्र, उस दिन विभीषण की बात मानना मेरी भूल थी। यदि आज हनुमान राम के साथ ना होता तो राम की शक्ति अधूरी थी। आप हनुमान के अंत की बात कर रहे हैं? लड़कपन में सूर्य को फल समझकर मुंह में रखने वाले हनुमान को शत्रुता की दृष्टि से देखना भी असंभव है ब्रादर जी। अशोक वाटिका में उस असंभव को भी मैंने संभव किया था। ये तुम्हारी भूल है वत्स। संसार के बंधन काटने वाले हनुमान जी, लंका की सैन्य शक्ति, अस्त्र शस्त्र की संख्या और रणनीति का अनुमान लगाने के लिए ही तुम्हारे बंधन में बंधे थे। यह सत्य है। पुत्र मेघनाथ की वीरता पर मिथ्या आरोप है। दुष्ट षड्यंत्रकारी विभीषण के कहने पर उस दिन हमने उस बंदर को छोड़ दिया था। हंसी आती है लंकेश्वर, परंतु मैं आपसे एक प्रश्न अवश्य पूछना चाहता हूं। हनुमान जी को तो छोड़ दीजिए, ये बताएं उस दिन राज्यसभा में अंगद के जमे हुए पैर को उखाड़ने में लंका के सारे वीर, यहां तक कि मेघनाथ और आप भी असफल क्यों रह गए थे लंकेश्वर? समय सदा एक सा नहीं रहता भैया, पूर्व से निकले सूर्य को पश्चिम में अस्त होना ही पड़ता है। ज्येष्ठ काकाश्री, यदि आप इसी प्रकार हमारा मनोबल तोड़ते रहेंगे तो हम युद्ध भूमि में जाने से पहले ही युद्ध हार जाएंगे। ये युद्ध तो हम उसी दिन हार गए थे युवराज मेघनाथ, जिस दिन लंकेश्वर जगत जननी सीता को हरकर यहाँ लाए थे। हम यहाँ वाद विवाद के लिए नहीं, लंका की राक्षस सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए एकत्रित हुए हैं। युद्ध तो प्रारंभ हो गया है महाबली कुंभकर्ण, अब या तो शत्रु मरेगा या फिर हम वीर गति को प्राप्त होंगे, पर युद्ध नहीं रुकेगा, हम सबको युद्ध लड़ना ही होगा, यही युद्ध का नियम है और रावण की मर्यादा। मुक्ति के मोह में मैंने श्री राम से युद्ध करना तो स्वीकार कर लिया, परंतु धन्य है मेरा भाई विभीषण जिसे राम के चरण सेवा का अवसर मिला। विभीषण का नाम भी न लो मेरे सामने कुंभकर्ण, उसका नाम भी न लो मेरे सामने, केवल
केवल राक्षस सेना के मनोबल को बढ़ाने की बात करो। पिताश्री, केवल एक दिन का समय दीजिए मुझे, मैं अपनी वरदानी शक्तियों से राम की सेना को तहस नहस कर दूंगा। ऐसा भीषण प्रहार करूंगा कि पृथ्वी तो पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग भी कांप उठेंगे। नहीं पुत्र, नहीं। जिन स्थितियों पर हम विचार कर रहे हैं उसके प्रति तुम गंभीर नहीं हो। इस समय प्रश्न व्यक्तिगत और वरदानी शक्ति का नहीं, राक्षस सेना के मनोबल का है। पुत्र मेघनाथ, तुम नहीं जानते, युद्ध सेना के मनोबल से जीता जाता है, और बंदरों भालों की शक्ति के सामने हमारी राक्षस सेना का मनोबल टूट चुका है। इन परिस्थितियों में राक्षस सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यही उचित होगा कि आप सह्याद्री के दैत्यराज भल्ला तक से सैन्य सहायता प्राप्त करें। हाँ, ये तुमने अच्छा सुझाव दिया कुंभकर्ण। दैत्यराज के सैनिक पहाड़ों और जंगलों में रहने के अभ्यस्त हैं, वो राम की जंगली सेना को उचित उत्तर दे सकते हैं। एक क्षण का भी विलंब किए बिना हमें महाराज भल्ला तक को अपने सैनिकों को यहाँ भेजने का आदेश देना चाहिए। ठहरे लंकेश्वर, ठहरे। इस समय आपको महाराज भल्ला तक की आवश्यकता है। ये लंका की स्थितियां देखते हुए आपके आदेश को ठुकरा भी सकते हैं। वो असभ्य और जंगली दैत्यों का राजा भल्ला तक लंकेश्वर रावण के आदेश को ठुकराएगा? यदि उसने ऐसा दुस्साहस किया तो मेघनाथ यहीं से उसके राज्य पर शक्ति फेंक कर उसे और उसके राज्य को नष्ट कर देगा। श्री राम के साथ युद्ध करते समय तुम्हें ऐसी शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी मेघनाथ। इन्हें संभाल के रखो वत्स, संभाल के। तो फिर हम क्या करें कुंभकर्ण? तुम्हारा तो महाराज भल्ला तक से पुराना परिचय है, तुम सह्याद्री चले जाओ। मैं? मेरा सह्याद्री जाना उचित नहीं होगा भैया। सेना की लंका को आवश्यकता है, इसलिए लंकेश्वर का वहां जाना उचित है। हाँ, यदि लंकेश्वर आदेश दे तो मैं उनके साथ अवश्य चला जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? इस समय लंका पर युद्ध का भयानक संकट मंडरा रहा है, एक के बाद एक हमारे योद्धा मारे जा रहे हैं, और तुम कहते हो कि हम दोनों लंका छोड़कर सह्याद्री चले जाएं? सारी परिस्थितियां समझने के बाद ही मैंने आपको परामर्श दिया है लंकेश्वर। प्यासा सदा कुएं के पास आता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता। तुम्हारी बात तो सत्य है कुंभकर्ण, पर मैं लंका छोड़कर सह्याद्री कैसे? आप जा सकते हैं पिताश्री, अवश्य जा सकते हैं, क्योंकि आपका वीर पुत्र इंद्रजीत यहाँ पर है। मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक आप सह्याद्री से लौट कर नहीं आएंगे, हम अपनी वरदानी शक्तियों से राम की सेना को रोके रखेंगे। और हो सकता है जब आप लौट कर आए तो आपको पता चले कि राम और लक्ष्मण युद्ध छोड़कर मेघनाथ के दास बन गए हैं। शक्ति पर विश्वास सफलता का कारण बनता है भैया, पर अति विश्वास पराजय का मार्ग भी खोल देता है। फिर भी युवराज मेघनाथ को यदि अपनी शक्ति पर इतना विश्वास है तो एक बार परखना आवश्यक है। एक बार नहीं, 10 बार मेघनाथ की शक्तियों को परखा जा चुका है ज्येष्ठ काका श्री। आज अवसर है तो एक बार और परख लीजिए। ठीक है मेघनाथ, हम युद्ध का नेतृत्व तुम्हें सौंपते हैं, लंका की रक्षा के उत्तरदायी तुम हो। लंकेश्वर की जय हो। आज्ञा लंकेश्वर। मामा श्री वीरवर अकंपन को सूचित करो कि वो हमारे और वीरवर कुंभकर्ण के साथ इसी समय सह्याद्री जाएंगे। जो आज्ञा लंकेश्वर। सह्याद्री नरेश, दैत्यराज भल्ला तक की जय। सह्याद्री नरेश, दैत्यराज भल्ला तक की जय। सह्याद्री नरेश, दैत्यराज भल्ला तक की जय। दैत्यराज भल्ला तक की जय हो। लंका का राजदूत आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहता है, उसे आदर सहित भीतर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। दैत्यराज भला तक की जय हो। दैत्यराज,
राक्षस दैत्य और असुरों के गौरव को सारे संसार में प्रचारित करने वाले राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण अपने छोटे भाई वीर कुंभकर्ण के साथ शीघ्र ही यहाँ पधारने वाले हैं। अहोभाग्य, लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण के सह्याद्री पधारने की सूचना देकर तुमने हमें प्रसन्न कर दिया है। सह्याद्री के राजपुरुषों, विश्रवा पुत्र लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण ने अपने ही बाहुबल से तीनों लोकों पर अधिकार किया है। यह हमारा सौभाग्य ही है कि वे स्वयं हमारी राजधानी को पवित्र करने और हमारी कीर्ति बढ़ाने के लिए यहां पधार रहे हैं। हम लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण के भव्य स्वागत का आदेश देते हैं। सह्याद्री नरेश, दैत्यराज भल्लाता की जय। पिताश्री, पिताश्री मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने सत्य सुना है पुत्री, हम भी तुम्हें लंकेश्वर रावण और वीर वर कुंभकर्ण के आने की सूचना देने आ ही रहे थे। ये वही महाराज कुंभकर्ण है ना, जिनकी कथाएं आप मुझे बचपन में सुनाया करते थे? हाँ राजकुमारी, आज वे अपने बड़े भाई के साथ सह्याद्री का सौभाग्य बढ़ाने यहाँ पधार रहे। हमें तन और मन से उनका स्वागत करना है पुत्री। पिताश्री। राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण की जय। राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण की जय। राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण की जय। पधारे लंकेश्वर। आइए पधारिए, आइए। राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण की जय। राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण की जय। लंकेश्वर की जय हो। दैत्यराज भल्लातक की पुत्री राजकुमारी करकटी आपका स्वागत करने पधारी है लंकेश्वर। लंकेश्वर रावण, सह्याद्री का ये शीतल पेय आपकी यात्रा की थकान मिटा देगा, इसे स्वीकार करें। लगता है आपकी प्यास शांत नहीं हुई। ये प्यास कभी शांत नहीं होगी राजकुमारी, और मैं इस प्यास को शांत करना भी नहीं चाहता। बस समय की गति यही रुकी रहे। राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर, इस सिंहासन पर विराजमान हो। नहीं महाराज, ये सिंहासन आपका है। हमारा जो कुछ भी है वो आपका भी है लंकेश्वर।
तो फिर ठीक है, हम दोनों साथ साथ इस सिंहासन पर विराजमान होंगे महाराज भल्ला तक। नहीं नहीं लंकेश्वर, हम स्वयं को आपके साथ बैठने योग्य नहीं समझते। सारा संसार आपके पराक्रम से मुग्ध है। लंकेश्वर, हम तो केवल आपकी सेवा में खड़े रहना चाहते हैं। विनम्रता और सहजता तो कोई महाराज अल्लाह तक से सीखे। विराजी, लंबे समय बाद आपको देखने का अवसर मिला है वीरवर कुंभकर्ण। हम प्राय आपकी वीरता की चर्चा किया करते थे। हमारी पुत्री राजकुमारी करकटी तो वर्षों से आपको देखने के साथ लिए बैठी है। हम जब भी आपकी वीरता की चर्चा किया करते तो वो उत्सुक होकर एक के बाद एक प्रश्न करती। तो यूं समझ लीजिए, देवयोग से राजकुमारी करकटी के प्रश्नों का और उनकी जिज्ञासा का समाधान करने ही हम यहां आए। सत्य वचन, दैत्य जाति के आराध्य देवाधिदेव महादेव की कृपा से ही आप जैसे परम शिव भक्तों के चरण आज हमारी हमारी भूमि पर पड़े हैं। इस समय राजकुमारी करकटी की प्रसन्नता का अनुमान लगाना असंभव है।